Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Good morning, everyone. I'm out of here. Firstly, I'm a pita hot chocolate. ये निशांत ने लिया है कॉर्नफ्लेक्स. मैं भी कॉर्नफ्लेक्स खा रही हूँ. आरब भी कॉर्नफ्लेक्स. ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट जो जिस होटल में रह रहा है उसी होटल में इंक्लूडेड है ब्रेकफास्ट. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आज है हमारा लास्ट डे रोम में और आज हम चेकआउट कर रहे हैं अपने होटल से और हम जा रहे हैं फ्लोरेंस. तो फिर से मिलते हैं वहाँ आगे फ्लोरेंस में. तो बाय ट्रेन हम जाने वाले हैं फ्लोरेंस. देखते हैं यहाँ की ट्रेन कैसी होती है, रेलवे स्टेशन कैसा होता है. जो आपको मोस्टली रोम से फ्लोरेंस 1.5 आवर में पहुँचा देती है, बट उसके लिए आपको रिजर्वेशन करना पड़ता है. जो स्लो ट्रेन होती है उसमें काफ़ी टाइम लग जाते हैं, 3 to 4 आवर्स लग जाते हैं. कुछ कुछ ट्रेन में तो 5 आवर्स भी लग जाते हैं. तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है. हाई स्पीड ट्रेन ही लेके रिजर्वेशन कराया है. हमारे पास यू रेल पास था, यू रेल तो आप 4 डेज का मिल गया था, तो वो हम एक आज यूज़ कर लेंगे. जिसमें हम लोग यहाँ से फ्लोरेंस जाएंगे, फिर फ्लोरेंस से आगे जो जहाँ भी जाना होता है वहाँ भी उसको यूज़ कर सकते हैं. बटोली थी जहाँ पर रिजर्वेशन है वहाँ पर हमको रिजर्वेशन कराना पड़ेगा. ये हमारे यहाँ पे टेबल और डस्टबिन बना हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे आप कुछ खाएं पिए तो फेंक सकते हैं कचरा. गार्बेज है. थ्रो करने के लिए डस्टबिन है ये. दिस इज आवर फर्स्ट ट्रेन जर्नी इन यूरोप. जैसा दिख रहा है इंडिया में जैसे हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो ऐसा ही दिखता है. खेत खलियान हमारे ऐसे ही दिखते हैं. इवन राजस्थान में मैं जाती हूँ जब अहमदाबाद से तो ऐसा ही व्यू आता है. रेस्ड फ्लोरेंस. अब जा रहे हैं अपने होटल की तरफ. ये रेलवे स्टेशन फ्लोरेंस का. एंड जस्ट बस हमने रेलवे स्टेशन पे टिकट बुक की है अपने कल की फ्लोरेंस से वेनिस जाने के लिए. और अब टैक्सी ढूंढ रहे हैं, टैक्सी के लिए वेट कर रहे हैं. यहाँ से हम बस अपने होटल जाएंगे. ये है हमारा रूम जिसमें बाहर ऐसे ओपन टेरेस भी है. ये एक हॉस्टल है, इसमें हमने फैमिली रूम बुक किया है. एक्चुअली फ्लोरेंस में एक फेस्टिवल होने वाला है जिसमें पूरी दुनिया से आर्टिस्ट आ रहे हैं, तो सारे होटल्स बुक थे इसलिए हमने हॉस्टल में बुकिंग की. पर ये रूम भी काफ़ी अच्छा है और सारी फैसिलिटीज़ है इसमें, जैसे एक होटल रूम में होती है वैसे सारी फैसिलिटीज़ है. बाथरूम वगैरह सब कुछ वैसे ही है. और यहाँ से हमारा प्लान है कि पहले हम लंच के लिए जाएंगे और आफ्टर लंच फिर हम पिज़्ज़ा के लिए जाएंगे. तो बस हम सिर्फ लगेज रखेंगे रूम में और फिर बाहर जाएंगे लंच के लिए. ये आ गया हमारा लंच. जस्ट पास्ता, वाइट सॉस पास्ता एंड दिस वन इज ब्रुशेटा विद टमेटो एंड बेजल. ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, लेट्स सी कैसा है इसका टेस्ट. जस्ट लाइक टोस्टेड एक ब्रेड है, टोस्टेड ब्रेड एंड उसके ऊपर टॉपिंग्स है टमेटो का और बेजल लीव्स का. अब हम आ चुके हैं पिज़्ज़ा. जस्ट रेलवे स्टेशन से बाहर आ रहे हैं.
और स्टेशन से हम वॉक करके ही जा रहे हैं पीसा टावर की तरफ। इससे हम थोड़ा सिटी को भी एक्सप्लोर कर लेंगे और अच्छे से जान पाएंगे इटली के पीसा शहर को, क्योंकि वॉक करके ही आप एक सिटी को सबसे अच्छे से जान सकते हो। टैक्सी से या बस से वो मज़ा नहीं आता जो वॉक करके आता है। एंड हर एक जगह आप देख सकते हो अच्छे से वॉक करके जाने से, और कहीं पे भी कुछ भी अच्छा लगता है तो रुक सकते हैं, इसलिए हमने प्रेफर किया कि यहाँ से बस जाती है। वैसे अगर आप प्रेफर नहीं करते हैं वॉक करना तो रेलवे स्टेशन से आप बस ले सकते हैं या टैक्सी ले सकते हैं, लेकिन हम वॉक करना प्रेफर कर रहे हैं और वॉक करके जा रहे हैं। और पीसा रेलवे स्टेशन से द लीनिंग टावर ऑफ पीसा का डिस्टेंस अराउंड 2 किलोमीटर्स है, तो अगर हम वॉक करके जाएंगे तो 20 से 25 मिनट लगने वाले हैं। चलते चलते रास्ते में हमको ये एक चॉकलेट की शॉप दिखी जिसमें इंटरेस्टिंग कार्टून कैरेक्टर्स बने हुए हैं चॉकलेट से, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा शॉप है। वॉक करते करते हम यहाँ अभी रास्ते में बैठ गए एक रेस्टोरेंट में। हेलो, यू वांट टू ऑर्डर सम जूस? जूस, यस। व्हिच वन यू लाइक? द फ्रेशली स्क्वीज्ड? यस। सो व्हिच वन लाइक? और देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखिए, ये जो जूस हमने फ्रूट जूस ऑर्डर किया है इसमें ये पैशन एंड अनानास, यहाँ पे अनानास इटालियन में पाइनएप्पल को ये लोग भी अनानास भी बोलते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं लीनिंग टावर ऑफ पीसा पे। और अभी अभी आपने सुपरमैन के साथ फोटो भी ली है, इसलिए सुपरमैन का पावर आ गया आरएफ के अंदर। पीसा मीनार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब इसके फाउंडेशन की खुदाई हुई थी तो वो सिर्फ 3 मीटर की थी और ग्राउंड भी बहुत सॉफ्ट था, इसके वजह से इसके स्ट्रक्चर को पूरा सपोर्ट नहीं मिला और ये लीन होना स्टार्ट हो गया, और तब से अब तक ये ऐसा ही है और इसको बनने में 199 ईयर्स लगे थे। एकदम वर्थ इट है, एंड जो भी इटली आ रहे हैं या यूरोप ट्रिप पे आ रहे हैं उनको एक बार अगर इटली आ रहे हैं तो स्पेशली आना ही चाहिए पीसा, और इसको देख के जाना चाहिए। अच्छा अनुभव है। और फ्लोरेंस से इसका डिस्टेंस कितना है, कितना टाइम लगा यहाँ पे आने में? फ्लोरेंस से यहाँ पे फास्ट ट्रेन नहीं आती है पीसा के लिए, तो स्लो ट्रेन है, 1 आवर लगता है फ्लोरेंस से आने में। फ्लोरेंस एक्चुअली मेन ट्रांजिट पॉइंट है रोम और वेनिस के बीच में, तो ज़्यादातर लोग वहीं रुकना पसंद करते हैं, और पीसा आके वन डे टूर करके यहाँ के सारी चीज़ों को देख के फिर वापस फ्लोरेंस चले जाते हैं, सो दैट अगर आगे का प्लान आप कर रहे हैं वेनिस जाने के लिए या रोम जाने के लिए तो आप फ्लोरेंस से इजली 1 आवर और 1.5 आवर में पहुँच जाएंगे हाई स्पीड ट्रेन लेके। बट यहाँ से अगर जाना होगा रोम या वेनिस तो 3.5 आवर 4 आवर्स लग जाएंगे, तो उस हिसाब से फ्लोरेंस भी काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे भी काफ़ी कुछ है, अभी जाएंगे हम लोग तो उसके बाद उसको एक्सप्लोर करेंगे। पीसा का तो लीनिंग टावर देख लिया और बहुत मज़ा आया देख के, आई गेस आपको भी मज़ा आया होगा ये वीडियो देख के। सबसे नीचे वाला पॉइंट है ना उधर ही टिल्टेड है टावर, और कैन यू इमेजिन 700 ईयर से टिल्टेड ही है और ये अभी तक वैसा ही है, जब इसे बनाया था ना उसके थोड़े टाइम के बाद ये टिल्टेड हो गया था और 700 ईयर से वैसा ही है।
यही इसकी ब्यूटी है, यही टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लेकिन गर्मी में भी चारों तरफ टूरिस्ट ही देख सकते हैं, इसके लिए ही मतलब लाखों की संख्या में लोग दुनिया भर से देखने के लिए इसको आते हैं। और पीसा मीनार के अंदर जाने के लिए अगर हम एंट्री टिकट टिकट काउंटर से लेते हैं तो वो 20 यूरो की आएगी, और अगर ऑनलाइन परचेस करते हैं तो वो 26.5 यूरो का आएगा। द लीनिंग टावर ऑफ पीसा देखने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं पीसा बस स्टेशन। किसी ने यहाँ बदमाशी में लिख दिया है, सॉरी द टावर इज नॉट लीनिंग टुडे। यहाँ पे बस की टिकट ले रहे हैं रेलवे स्टेशन जाने के लिए, और ट्रेन से हम फिर जाएंगे फ्लोरेंस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी हमने किया है चेकआउट अपने रूम से और जा रहे हैं वेनिस। फ्लोरेंस हम घूम नहीं पाए, कल रात में आ गए थे 9 बजे, लेकिन रात को वापस 9 बजे हम आए थे और प्लानिंग थी कि थोड़ा जल्दी आ जाते तो जा पाते, लेकिन फिर भी लाइट थी, डे लाइट थी, आराम से जा सकते थे, लेकिन बहुत थक गए थे इसलिए नहीं जा पाए। और आरफ को भी थोड़ी कफिंग हो गई थी तो इसलिए, और बहुत थक गया था तो फिर इसलिए हमने कैंसिल कर दिया वहाँ फ्लोरेंस घूमना, और अब हम यहाँ से डायरेक्ट जा रहे हैं वेनिस। डे टाइम बहुत हॉट है अभी जून में, तो मुझे लग रहा है जुलाई अगस्त में भी बहुत ज़्यादा हॉट होने वाला है। सो मेरा टिप तो यही है कि यहाँ पे अगर इटली घूमना है स्पेशली तो बेटर अप्रैल मई में, बोलोनिया थे तो अप्रैल या मई में ही सबसे अच्छा वेदर होगा यहाँ पे, अप्रैल मई में ही आए, जून जुलाई अगस्त मानते हैं कि समर सबसे ज़्यादा अच्छा वेदर होता है यहाँ के लिए टूरिस्ट के लिए, लेकिन आई गेस इटली के लिए ये बेटर वेदर नहीं है। Stazione Ponte Vecchio, che Ponte Vecchio più qua, qui siamo alla stazione. Stazione this far? Ponte Vecchio very far? Vuoi dire Ponte Vecchio? अभी प्लान में थोड़ा चेंज हो गया है, हम स्टेशन के लिए निकले थे टैक्सी से, तो टैक्सी वाले से हमने बोला कि एक बार हमें वो ब्रिज देखना है पॉन्टे वेच्यू, जो वर्ल्ड वॉर 2 में बच गया था। यस, जो वर्ल्ड वॉर 2 में बच गया था, ये वही ब्रिज है, और इसी को देखने के लिए, ये और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे देखने के लिए, तो उसको देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। कोई आर्टिस्ट की स्टैच्यू है। यस, तो हम अभी उस ब्रिज के ऊपर खड़े हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 में सरवाइव किया था। कैसा फीलिंग आ रहा है उस ब्रिज के ऊपर खड़े होके? डर लग रहा है। हाँ। बहुत स्ट्रांग है बच्चा, बहुत सारे अभी तो करेगा ही, और इतने सालों से कायम है। जर्मनी। तो अब उस ब्रिज से हम आ गए हैं डुओमो पे, ये एक चर्च है, पर मेनली यही दो चीज़ें हैं जो हमको लगी कि सबसे ज़्यादा फेमस है और विजिट करना चाहिए, और इसका ही मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि हम नहीं देख पा रहे हैं फ्लोरेंस आके भी, हम डुओमो क्या आर्किटेक्चर है सच में, गजब का आर्किटेक्चर है सच में, और आप देख सकते हैं इसकी ब्यूटी को, इसीलिए ये फेमस है टूरिस्ट के बीच में। ये बहुत बड़ा भी है। थोड़ी सी सैड हो गई थी कि हम पीसा चले गए और ये सब मिस हो गया, रात हो गई थी आने में और फिर थक गए थे सब, हाँ थक गए थे सब, फिर सो गए थे, लेकिन थैंक्स टू द टैक्सी ड्राइवर, थैंक्स टू निशांत ऑल्सो, जिन्होंने बोला टैक्सी ड्राइवर को कि क्या हम 10 मिनट्स में इन दोनों जगह को कवर कर सकते हैं। तो फ्लोरेंस एक छोटी सी सिटी है, पास पास में ही है सब कुछ, एंड टैक्सी ड्राइवर ने बहुत हेल्पफुल है, टैक्सी ड्राइवर बहुत अच्छे से, उन्होंने पहले हमें ब्रिज दिखा दिया और अब इस डुओमो पे लेके आए। मिलते हैं फिर आपसे वेनिस में, और अगर इटली ट्रैवल से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी बताएं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।